Hello students, my name is Kuljeet Kaur. I am lecturer of biology in Government Girls Senior Secondary School, Kurani, District SS Nagar. Students, we are doing third chapter, that is plant kingdom. We have already done two groups, algae and bryophytes. Today we will study the third group, that is pteridophytes. So let's start. Okay students, let's continue plant kingdom. आज हम बच्चे प्लांट किंगडम में हम नेक्स्ट ग्रुप करने जा रहे हैं, दैट इज टेरिडोफाइट्स. ऑलरेडी हम दो ग्रुप्स कर चुके हैं, एल्गी एंड ब्रायोफाइट्स. सो लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट ग्रुप. ओके बच्चे, टेरिडोफाइट्स जो हैं बच्चे, ये बहुत डेलिकेट प्लांट्स हैं दैट ओनली ग्रो इन द एरिया वेयर देर आर सुटेबल मॉइस्ट कंडीशन. हैबिटेट क्या है इसका? ये ऐसे प्लांट हैं जो ज़्यादातर जहाँ पे डैम्प नेस है, शेडी कंडीशंस हैं, मॉइस्चर रहता है, वहाँ पे ग्रो करते हैं. ठीक है, सो दे फेवर शेल्टर्ड एरियाज, जैसे फॉरेस्ट कैनोपीज हैं, फॉरेस्ट है जहाँ पे डेंस ट्रीज होते हैं, या स्ट्रीम्स जहाँ पे झरने बहते हैं उनके साइड पे ग्रो करते हैं, रॉक्स के अंदर जो क्रीक्स होते हैं उसमें होते हैं. ठीक है, जहाँ पे हमें मॉइस्चर या डैम्पनेस ज़्यादा मिलती है वहाँ पे ये प्लांट्स ग्रो करते हैं. दे कैन नॉट ग्रो रेडिली इन द हॉट एरियाज लाइक फ्लावरिंग प्लांट्स एंड कॉनिफर्स. ज़्यादातर ये हॉट एरियाज में ग्रो नहीं करते, लेकिन कुछ ऐसे टेरिडोफाइट्स हैं जो कि सैंडी सॉइल्स में या हॉट क्लाइमेट में भी ग्रो कर सकते हैं. मैं अभी आपको शॉर्टली उसका एग्जांपल बताऊंगी. सो ये बच्चे, यहाँ पर मैंने एक पिक्चर लिया है जिसमें कि टेरिडोफाइट्स के डिफरेंट हैबिटेट्स यहाँ पे शो किए गए हैं. सो आप देख सकते हो कुछ टेरिडोफाइट्स जो हैं कैसे ये फॉरेस्ट में ग्रो कर रहे हैं या रॉक्स के ऊपर ग्रो कर रहे हैं. उसके बाद कुछ एपीफाइट्स होते हैं, एपीफाइट्स उन्हें कहते हैं जो ट्रीज के ऊपर ग्रो करते हैं, जैसे स्लेजिनेला, ये एपीफाइट्स हैं. सो ये डिफरेंट हैबिटेट्स हैं जिसमें कि टेरिडोफाइट्स ग्रो करते हैं. यहाँ पे बच्चे मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं आपको दिखाने के लिए, ताकि आपको कुछ नेम्स आपने याद करने हैं इस ग्रुप के. सबसे पहले फर्न जो है, इसको हम ड्रायोप्टेरिस कहते हैं. ये एवरग्रीन फर्न है, मोस्टली जो है मॉइस्ट शेडी एरियाज में ज़्यादा ग्रो करता है. सो बहुत कॉमन एग्जांपल है टेरिडोफाइट्स का. सेकेंड है बच्चे स्लेजिनेला. तो स्लेजिनेला जो है ये एक ऐसा टेरिडोफाइट है जो कि सैंडी सॉइल्स में ग्रो करता है. थोड़े हॉट क्लाइमेट में भी ये ग्रो कर सकता है इन द सैंडी सॉइल. ज़ीरोफिटिक कंडीशंस जो होती हैं उसमें स्लेजिनेला ग्रो करता है. नॉर्मली जो है टेरिडोफाइट्स, मैंने आपको बताया कि डैम्प और शेडी कंडीशंस में ग्रो करते हैं, बट हाउएवर द स्लेजिनेला जो है इट कैन ग्रो इन द सैंडी सॉइल ऑल्सो. नेक्स्ट, ये बच्चे एक और एग्जाम्पल है, यहाँ पे मैंने इसका नाम नहीं लिखा, इसको हम इक्विसिटम कहते हैं. सो दिस इज इक्विसिटम, SETUM. इक्विसिटम जो है इसे हम हॉर्स टेल भी कहते हैं. सो ये टेरिडोफाइट का एक एग्जाम्पल है. नेक्स्ट है सेल्विनिया. सेल्विनिया बच्चे एक टेरिडोफाइट है जो कि एक्वेटिक है. एक और मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लिख रही हूँ, एजोला. ये भी एक एक्वेटिक टेरिडोफाइट है जो कि वाटर में ग्रो करते हैं. सो आपने उसका जनरल हैबिटेट देखा कि टेरिडोफाइट्स जो हैं वो वाटर में भी ग्रो कर रहे हैं, लैंड पे भी ग्रो कर रहे हैं. एपीफाइट्स भी हैं जो कि ट्रीज के ऊपर ग्रो करते हैं, एंड कुछ जैसे स्लेजिनेला का मैंने स्पीशीज़ है, मैंने आपको भी एग्जाम्पल दिया, जो कि सैंडी सॉइल्स में, इवन थोड़े हॉट ड्राई क्लाइमेट में भी ग्रो करते हैं. सो ओके, टेरिडोफाइट्स बच्चे ये क्या हैं? ये फ्लावरलेस और सीडलेस प्लांट हैं. ठीक है, ये रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं? ये स्पोर्स के साथ रिप्रोड्यूस करते हैं, लेकिन ये वास्कुलर प्लांट्स हैं. दे हैव सक्सेसफुली इन्वेडेड द लैंड. वास्कुलर प्लांट है टेरिडोफाइट्स जो हैं, इसमें हमें वास्कुलर टिश्यू मिलेगा, जाइलम एंड फ्लोएम. दे आर कंडक्टिंग एलिमेंट्स विच हेल्प इन द कंडक्शन ऑफ वाटर एज वेल एज फूड. सो ये जो ब्रायोफाइट्स ग्रुप है इनको जो टेरिडोफाइट ग्रुप है इसको ब्रायोफाइट और जो नेक्स्ट ग्रुप है जिम्नोस्पर्म्स एंजियोस्पर्म्स उसके बीच में एक इंटरमीडिएट पोजीशन पे इसको रखा गया है. टेरिडोफाइट्स जो है बच्चे इनको हम वास्कुलर क्रिप्टोगैम्स कहते हैं. वॉट आर क्रिप्टोगैम्स? जो कि स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट्स जो होते हैं, जिनमें कि स्पोर बनते हैं, कोई सीड नहीं है, कोई फ्रूट नहीं है, कोई फ्लावर नहीं है, वो क्रिप्टोगैम्स हैं. क्रिप्टोगैम्स, ये वास्कुलर क्रिप्टोगैम्स हैं बिकॉज इनमें क्या है, वास्कुलर टिश्यू है. वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर द मूवमेंट ऑफ स्पर्म्स.
इसमें जो प्लांट बॉडी है वो स्पोरोफाइट है, लैंड के ऊपर ग्रो कर रहा है, लेकिन जो इसका गेमिटोफिटिक फेज होता है, जब इसमें गेमीट बनते हैं रिप्रोडक्शन के टाइम पे, जिसे हम गेमिटोफाइट फेज कहते हैं, उसको वाटर की ज़रूरत होती है, क्योंकि जो स्पर्म होता है या जो मेल गेमीट होता है उसको फीमेल के पास जाना होता है फॉर फर्टिलाइजेशन, एंड फॉर दैट पर्पज वाटर इज रिक्वायर्ड। बच्चे, इफ़ यू रिमेंबर, मैंने आपको बताया था कि जो ब्रायोफाइट्स हैं उनको एम्फीबियंस बोलते हैं प्लांट किंगडम का, इसी तरह से जो टेरिडोफाइट्स हैं इनको भी हम एम्फीबियंस बोलते हैं। दे आर ऑल्सो नोन एज एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम बिकॉज दे रिक्वायर्ड वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। तो गेमिटोफाइट फेज जो है वो वाटर लविंग होता है, इसलिए हम इसको एम्फीबियंस बोलते हैं। ठीक है, सो ये जो और आगे जो सीड बियरिंग प्लांट्स हमारे पास आए, जैसे जिम्नोज आए, एंजियोस्पर्म आए, वो ज़्यादा डोमिनेट करके ज़्यादा सक्सेसफुल हो गए, और जो टेरिडोफाइट्स थे इनकी लोअर पोजिशन होगी प्लांट किंगडम में, सो ये स्मॉलर प्रोपोर्शन ऑफ प्लांट्स जो है उसको ये रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट, सम मोर करेक्टर। बच्चे, सबसे पहली बात, जो टेरिडोफाइटा के जो मेंबर्स हैं दे इंक्लूड अ ग्रुप ऑफ प्रिमिटिव वास्कुलर प्लांट्स, ये पुराने प्रिमिटिव वास्कुलर प्लांट्स हैं। ठीक है, जैसे कुछ टेरिडोफाइट्स हैं, जैसे फर्न्स कॉमन टेरिडोफाइट्स हैं, कुछ उनके और रिलेटिव्स जो हैं, दे आर सम ऑफ अर्थ फर्स्ट लैंड प्लांट। अर्थ के ऊपर जो पहले जो लैंड प्लांट्स आए, तो ये उनमें से कुछ प्लांट्स के ये एग्जाम्पल्स हैं। टेरिडोफाइट अभी मैंने बताया टेरेस्ट्रियल भी हैं, एक्वेटिक भी हैं, एपीफाइट्स भी हैं, एंड दे ग्रो ऑन द ब्रांचेस ऑफ द ट्रीज। मोर देन 12,000 डिफरेंट स्पीशीज ऑफ फर्न्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड वर्ल्ड वाइड। जो प्लांट हमें दिखता है जो डोमिनेंट फेज है दैट इज स्पोरोफाइट। नेक्स्ट, कुछ जनरल करेक्टर्स और, जैसे ये मोस्टली ये नॉन वुडी प्लांट हैं, क्योंकि इसमें जो स्टेम होता है बहुत सॉफ्ट होता है, वुडी नहीं होते, बट कुछ बहुत बड़े बड़े फर्न्स हैं जिनको हम सेमी वुडी कह सकते हैं। लीव्स प्रॉन्स कहते हैं, मोस्टली लीफ कंपाउंड्स हैं विद द रैकेस, एंड बहुत सारे पिन्नाज होते हैं, मैं अभी आपको नेक्स्ट डायग्राम में ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। और उसके बाद जो इनका जो लीफ है वो सर्सिनेट विनेशन शो करते हैं। सर्सिनेट विनेशन क्या होता है कि जो इसके बड़े बड़े जो इसके लीफ आते हैं, जो फ्रॉन्ट्स होते हैं, उसके ऊपर जो ग्रोइंग टिप्स होते हैं वो इस तरह से बच्चे कॉइल्ड होता है, लाइक इसको हम सर्सिनेट कहते हैं। जैसे जैसे प्लांट मेच्योर करता है ये खुलता रहता है। ठीक है, और उसके बाद जो इसके पास स्पेशलाइज लीव्स हैं जिसे हम स्पोरोफिल्स कहते हैं। स्पोरोफिल्स क्या होते हैं, जो अगर आप इसका लीफ देखो तो उसकी जो लोअर साइड है उस पर इस तरह से छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम स्पोरेंजियाज कहते हैं। और स्पोरेंजियाज एक तरह के कैप्सूल्स हैं जिसमें बहुत सारे स्पोर्स होते हैं जो कि रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। सो वो जो स्पेशलाइज लीव्स हैं उनको हमने क्या बोला, स्पोरोफिल्स। ओके बच्चे, ये डायग्राम ध्यान से देखो। सो ये हमने एक जो टेरिडोफाइट का जो लीफ है, या देखो आप उसका बहुत बड़ा फ्रॉन्ट है, जो सेंटर में जो मिडरिप जा रही है इसको हम रैकेस कहते हैं, ये मिडरिप है। और उसके बाद ये देखो आपको ये बहुत सारे कंपाउंड लीफ हैं, ये बहुत सारे पिन्नास जो हैं वो नज़र आ रहे हैं, और इसके ऊपर ये छोटे छोटे इस तरह से ये लीफलेट्स होते हैं लाइक दिस। ठीक है, सो ये नीचे इसके स्केल हैं, ये बीच में जो मिडरिब है इसको हम मिडरिब ऑफ प्लेट कहते हैं, और ये सारे जो हैं ये लीफलेट्स भी इनको बोलते हैं और पिन्नास भी बोलते हैं। सो जैसे एक लीफ में, जैसे एक सिंपल जो लीफ है उसमें लेमिना होता है, तो इसमें लेमिना जो है वो छोटे छोटे लीफलेट्स में डिवाइडेड है। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं बच्चे। ये देखो, अभी मैंने आपको बताया कि जो लीफ जो होता है वो सर्सिनेट होती है टिप्स पे जाके, इस तरह से ये क्वाइल्ड है, देखो ये क्वाइल्ड स्ट्रक्चर है। जैसे जैसे ये मेच्योर होता है ये अनकॉइल होता रहता है और सीधा हो जाता है। टेरिडोफाइट्स जो है वास्कुलर प्लांट्स हैं, अभी मैंने बताया है कि इसके पास जाइलम और फ्लोइम है। जाइलम टिश्यू जो है वो आपका हेल्प कर रहा है इन द कंडक्शन ऑफ वाटर, एंड फ्लोइम जो है आपका हेल्प करता है इन द कंडक्शन ऑफ द फूड। यहाँ पर बच्चे मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बता रही हूँ, जो कि एक कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन भी हो सकता है आप आगे जब आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं, तो इस तरह से क्वेश्चन टेरिडोफाइट्स में से आ जाता है। जो वास्कुलर टिश्यू होता है टेरिडोफाइट्स में, उसमें बच्चे जो जाइलम होता है जो वाटर कंडक्ट करता है, उस जाइलम में, जाइलम का एक पार्ट है वेसल्स। सो वेसल्स जो हैं वो टेरिडोफाइट में एबसेंट होती हैं, दे आर नॉट प्रेजेंट इन द जाइलम। सो टेरिडोफाइट्स का जो जाइलम है उसमें वेसल्स जो हैं वो एबसेंट होती हैं, ये आप नोट करो। और उसके बाद जो फ्लोइम टिश्यू होता है जो कि फूड कंडक्ट करता है, इस फ्लोइम टिश्यू में बच्चे कंपेनियन सेल्स एबसेंट होते हैं।
सो ये फ्लोएम जो टिश्यू है वो कम्प्लेक्स टिश्यू है, उसके बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, सीप ट्यूब्स होते हैं, कंपेनियन सेल्स होते हैं. सो कंपेनियन सेल्स जो हैं वो एब्सेंट होते हैं इन द केस ऑफ टेरिडोफाइट. सो दिस इज कंपेनियन सेल्स, CELLS सेल्स, राइट. सो नोटेड डाउन पे. उसके बाद इसका रूट्स जो है वो सिंपल है और नीचे उसका जो है राइजोम होता है, राइजोम के साथ बेस जो है उससे रूट्स आते हैं. देन स्पोरोफिल्स एंड स्पोरेंजिया. अभी मैंने आपको बताया जो स्पेशलाइज्ड लीव्स हैं, ठीक है, जो कि स्पोरेंजिया बियर करते हैं. सो आप ये देख सकते हो ये ब्राउन स्ट्रक्चर, आपको लीव की लोअर साइड पे जब आप देखते हो तो ये ब्राउन स्ट्रक्चर्स हमें नज़र आ रहे हैं, ये एक्चुअली स्पोरेंजियास हैं. और स्पोरेंजियास जो होते हैं उनका एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसके ऊपर एक कैप्सूल होता है, इसके अंदर जो है बहुत सारे स्पोर्स होते हैं, ठीक है. और जो स्पेशलाइज लीव्स हैं जिनकी वेंट्रल साइड पे, लोअर साइड पे स्पोरेंजियास आते हैं, उसे हम बोलते हैं स्पोरोफिल्स, ठीक है. दे आर प्रेजेंट ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ द फर्टाइल लीव्स. इनको फर्टाइल लीव्स क्यों बोला, बिकॉज इसके पास स्पोर्स हैं और स्पोर्स जो है वो रिप्रोड्यूस करेंगे तो न्यू प्लांट आएगा, ठीक है. प्लांट्स जो हैं वो मोनोस्पोरस भी हो सकते हैं, हेट्रोस्पोरस भी हो सकते हैं. कुछ फर्न्स या कुछ टेरिडोफाइट्स ऐसे हैं जो कि एक ही तरह के स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं, वन टाइप के स्पोर प्रोड्यूस करते हैं. सो उसे हम कहते हैं होमोस्पोरस, स्पोर्स ऑफ ओनली वन टाइप. और कुछ ऐसे होते हैं जो कि दो तरह के स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं, स्मॉल एंड बिग, उनको हम कहते हैं हेटेरोस्पोरस. जो स्मॉल होते हैं उसे हम माइक्रोस्पोर्स कहते हैं और जो बिग होते हैं उसे हम कहते हैं मेगा स्पोर. तो इज इट क्लियर टू योर स्टूडेंट्स कि टेरिडोफाइट्स के अंदर होमोस्पोरस प्लांट्स भी होते हैं, हेटेरोस्पोरस भी होते हैं. हेटेरोस्पोरस में दो टाइप के स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, स्मॉलर वन आर नोन एज माइक्रोस्पोर्स एंड द लार्जर वंस आर नोन एज मेगास्पोर्स. ओके, सो यहाँ पर बच्चे मैंने आपको एक स्पोरोफिल दिखाया है. स्पोरोफिल का ये वेंट्रल साइट है और वेंट्रल साइट के ऊपर ये जो लीफलेट्स आपको मैंने अभी बताए थे उसके ऊपर ये छोटे छोटे जो राउंड स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे हैं, सो दे आर ऑल स्पोरेंजियास एंड ईच स्पोरेंजिया हैज मेनी मेनी स्पोर्स इनसाइड इट. ओके, सो बच्चे ये यहाँ पर मैंने आपको टेरिडोफाइट का एक्सप्लेन करने के लिए एक डायग्राम यहाँ पे मैंने लिया है. स्पोरेंजिया मैंने ये आपको दिखाया है. सो ये क्या है, ये स्पोरेंजिया है और इसके पास क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया स्पोरेंजियम के पास एक स्टॉक होता है, नीचे ये स्टॉक है और ऊपर ये जो बल्बस स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है ये ऊपर वाला, इसे हम कहते हैं कैप्सूल. कैप्सूल मोस्टली ओवल शेप का होता है और अगर आप कैप्सूल का ये साइड देखते हो इसको हम एन्यूलस कहते हैं. एन्यूलस जो होता है वो सिंगल लेयर होता है और थिक लेयर होती है, लेकिन इस साइड पे जो सेल्स हैं ये थोड़े थिन वॉल्ड होते हैं, इसे हम स्टोमियम कहते हैं. स्टोमियम, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. ये सारे सेल जो एन्यूलस के सेल हैं वो थिक वॉल्ड हैं, लेकिन इधर जो सेल हैं ये सारे स्टोमियम के सेल जो होते हैं वो थिन वॉल्ड होते हैं. और ये वो जगह है जहाँ से जब कैप्सूल के अंदर से स्पोर्स जो हैं स्पोरेंजियम के अंदर से यहाँ से वो खुल जाता है और स्पोर्स जो हैं वो रिलीज हो जाते हैं. सो ये ऐसे बहुत सारे स्पोरेंजियम्स जो हैं वो लीफ का जो लीफलेट्स अभी हमने देखा, जो स्पोरोफिल्स हमने देखी, उसकी जो वेंट्रल साइड है उसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं. नाउ अब हम थोड़ा सा टेरिडोफाइट में रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे. अभी मैंने आपको स्पोर्स बता दिया. जब स्पोर जब बन गया हमारा और स्पोर जो है जब स्पोर जर्मिनेट करेगा, स्पोर्स क्या होते हैं, बड़े माइन्यूट छोटे डार्क ब्राउन स्ट्रक्चर होते हैं. जब स्पोर जर्मिनेट करता है तो वो गैमेटोफाइट बनाएगा. अब हमारी स्पोरोफाइट फेज ख़त्म हो गया, स्पोर जर्मिनेट करेगा तो नेक्स्ट जो है हमारे पास, क्योंकि स्पोर्स जो हैं वो हैप्लॉइड हैं तो गैमेटोफाइट बनेगा जो कि हैप्लॉइड होएगा और उसे हम कहते हैं प्रोथैलस, ठीक है. टेरिडोफाइट्स में गैमेटोफाइट का नाम क्या है, प्रोथैलस. और प्रोथैलस जो है वो छोटा सा स्ट्रक्चर है और ये हार्ट शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, इस तरह से होता है बच्चे प्रोथैलस. और यहाँ पर इसके राइजोइड्स होते हैं, अभी मैं आपको इसका डायग्राम दिखाऊंगी. और ये जो है एक इंडिपेंडेंट होता है, क्लोरोफिलस होता है, इसके पास क्लोरोफिल है और इसके पास मेल रिप्रोडक्टिव और फीमेल रिप्रोडक्टिव दोनों स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है. मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को हम एंथ्रीडिया कहते हैं, ऑलरेडी मैंने आपको ये टर्म पढ़ाई हुई है. और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो है उसको हम आर्किगोनियस बोलते हैं, ठीक.
जो होमोस्पोरस होंगे, अभी मैंने आपको बताया दो तरह के होते हैं टेरिडोफाइट, होमोस्पोरस एंड हेटरोस्पोरस। जो होमोस्पोरस होते हैं उसमें जो गैमेटोफाइट होगा उसमें मेल और फीमेल दोनों एक के ऊपर ही होंगे, लेकिन जो हेटरोस्पोरस होते हैं वो यूनिसेक्चुअल गैमेटोफाइट प्रोड्यूस करते हैं, मेल गैमेटोफाइट अलग होते हैं और फीमेल गैमेटोफाइट अलग होते हैं। आई होप इट इज क्लियर टू यू स्टूडेंट्स। जो होमोस्पोरस टेरिडोफाइट्स हैं वो एक ही टाइप के स्पोर्स होते हैं, तो उसमें जो गैमेटोफाइट बनेगा जर्मिनेशन के ऊपर वो बाइसेक्चुअल होगा। एंथ्रिडियम एंड आर्किगोनियम प्रेजेंट ऑन द सेम प्रोथैलस। ओके, जो हेटरोस्पोरस होते हैं उसमें दो अलग तरह के स्पोर्स होते हैं और वो क्या होते हैं, यूनिसेक्चुअल होंगे, मेल गैमेटोफाइट अलग होगा और फीमेल जो है वो अलग होगा, राइट। और रिप्रोडक्शन जो है वो ऊगैमस है, एल्गी में हमने पढ़ा था ऊगैमस क्या होता है। एंथ्रिडिया जो है वो मेल गैमीट बनाता है जिसे एंथ्रोजॉइड्स कहते हैं बिकॉज ये मोटाइल होते हैं, और आर्किगोनियस जो होते हैं उसके पास क्या होता है, एग सेल होता है। फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर चाहिए, मैंने आपको एक्सप्लेन किया टेरिडोफाइट्स आर एम्फिबियंस बिकॉज दे नीड वाटर फॉर द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो जब फर्टिलाइजेशन हो गया देन व्हाट इज बॉर्न, वी गेट जाइगोट। जाइगोट कैसे बना, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट जब फ्यूज कर जाते हैं तो जो बॉडी फॉर्म होती है उसे हम कहते हैं जाइगोट। और जाइगोट कहाँ होता है, आर्किगोनिया के वेंटर में होता है। आपको मैंने बताया था कि आर्किगोनियाज जो होते हैं, हमने पहले भी ये करा हुआ है कि आर्किगोनिया जो है फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर होते हैं, उनके पास नेक है और नीचे पोर्शन है उसे हम वेंटर कहते हैं। वेंटर के पास यहाँ पर एग प्रेजेंट होता है, दिस इज एग हेयर, राइट। सो जो जाइगोट है वो कहाँ होगा, वेंटर में होगा, और वहाँ पे जाइगोट किस में डेवलप करेगा, एम्ब्रियो के अंदर डेवलप करेगा। तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियो जो है वो डेवलप हो रहा है और स्पोरोफाइट रिमेन्स अटैच टू द गैमेटोफाइट, ठीक है, टिल द डेवलपमेंट ऑफ द रूट, ठीक है। अब हमें दोबारा से स्पोरोफाइट बनना है क्योंकि गैमेटोफाइट स्टेज आ गई, गैमीट्स हो गए, फर्टिलाइजेशन हो गया, जाइगोट बन गया, जाइगोट से क्या बन गया, एम्ब्रियो बन गया, एम्ब्रियो डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है, तो फिर से दोबारा से कौन सा साइकिल चल पड़ा। सो हमने स्पोरोफाइट से शुरू करा, गैमीट्स बने तो गैमेटोफिटिक फेज आया और दोबारा से अब क्या आ गया, स्पोरोफाइट। ओके, ये बच्चे प्रोथैलस, मैंने आपको अभी बताया था कि जब स्पोर आपका जर्मिनेट करता है तो वो प्रोथैलस बनाता है। प्रोथैलस ग्रीन कलर का होता है, हार्ट शेप स्ट्रक्चर होता है। तो प्रोथैलस पे आप देख सकते हो नीचे ये राइजॉइड्स हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, क्योंकि ये फ्लैट होता है ग्राउंड के ऊपर, उसके पास बहुत सारे यूनिसेलुलर राइजॉइड्स होते हैं लोअर साइड पे। अगर आप इसके ऊपर ध्यान से देखो तो यहाँ पर आपको आर्किगोनिया नज़र आ रहे हैं, नीचे जो हैं वो क्या हैं, एंथ्रिडियाज नज़र आ रहे हैं। सो दे आर मेल सेक्स ऑर्गन इज एंथ्रिडिया and female sex organ is archegonia, right? So this is prothallus. Okay. So जो life cycle है बच्चे, अभी मैंने आपको explain किया कि जो pteridophyte में क्या है, there is alternation of generation. Alternate का मतलब क्या होता है, पहले एक फिर दूसरा फिर पहला फिर दूसरा, this is alternation. तो जब हमने sporophyte देखा तो उसमें क्या है, पहले sporophytic phase आया, उसके बाद फिर क्या आया, गेमिटोफिटिक फेज आया, गेमिटोफिटिक के बाद फिर से क्या आ गया, स्पोरोफाइट आ गया। सो स्पोरोफिटिक फेज डिप्लॉयड था, डिप्लॉयड से हैप्लॉयड आया, हैप्लॉयड से फिर डिप्लॉयड आया, ठीक है। देखो ये यहाँ पे फर्न प्लांट है, ये स्पोरोफाइट है, इसके ऊपर स्पोरेंजियाज आ गए स्पोरोफिल्स के ऊपर, स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर आ गया, स्पोर जब जर्मिनेट किया तो क्या आ गया, प्रोथैलस आ गया, ठीक है। स्पोरोफाइट फेज खत्म हो गया, गेमेटोफिटिक फेज शुरू हो गया क्योंकि प्रोथैलस के पास एंथ्रिडियम आर्किगोनियम्स होंगे। उसके बाद क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। जब फर्टिलाइजेशन होगा यहाँ पे लाइन क्यों ड्रॉ की गई है, सी दिस, यहाँ पे ये लाइन क्यों ड्रॉ है, जो ऊपर वाला फेज है वो क्या है, स्पोरोफिटिक फेज, और जो नीचे वाला फेज है वो क्या है, गेमेटोफिटिक फेज। सो दोनों जनरेशन जो है, पहले स्पोरोफाइट फिर उसके बाद गेमेटोफाइट आ गया, फिर से स्पोरोफाइट आ गया, फिर से गेमेटोफाइट आ गया, तो दोनों जनरेशन जो हैं वो ऑल्टरनेट करते रहते हैं। सो टेरिडोफाइट्स में हमने क्या देखा, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। डोमिनेंट क्या है, ज़्यादा गेमेटोफिटिक फेज जो होता है वो थोड़ी देर के लिए रहता है कि जब हमारे पास सिर्फ गैमीट्स बनेंगे, उसके बाद जब फर्टिलाइजेशन हो गया, जाइगोट बन गया, एम्ब्रियो बन गया, तो हमारा नेक्स्ट फेज स्टार्ट हो जाता है, दैट इज स्पोरोफिटिक जनरेशन, राइट। ओके, अब हम थोड़ा सा बच्चे, अब हमने जनरल करेक्टरिस्टिक्स सारे टेरिडोफाइट्स के पढ़ लिए कि उसमें स्पोरोफिटिक फेज क्या है, स्पोरोफिल्स क्या हैं, स्पोरेंजियास क्या होते हैं, स्पोर्स क्या होते हैं। सो होमो और हेट्रो पोजीशन क्या है,
फिर हमने देखा कि जब स्पोर जर्मिनेट करेगा, जर्मिनेशन के बाद वो हार्ट लाइक स्ट्रक्चर बनाता है जो कि ग्रीन है, जिसे हमने प्रोथैलस बोला। और प्रोथैलस के पास राइजोइड्स हैं लोअर सरफेस के ऊपर, और उसके पास अंडर सरफेस पे एंथ्रीडियाज और आर्किगोनियाज होते हैं जो कि मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स हैं। ठीक है, सो एंथ्रीडियम जो है वो मेल गैमीट है, उसके पास आर्किगोनियम के पास एग है जो कि फीमेल गैमीट है। उसके बाद फर्टिलाइजेशन जो है वो उसके लिए वाटर जो है दैट इज मस्ट, बिकॉज एंथ्रोजॉइड जो है वो स्विम करते हैं वाटर के अंदर, एंड देन दे रीच द एग सेल। ठीक है, सो उसमें कुछ केमिकल्स भी होते हैं जो स्पर्म्स को अट्रैक्ट करते हैं, और वो जो आर्किगोनियम के नेक के पास जाके वेंट्र के पास पहुंच जाते हैं और यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो जाता है। और फर्टिलाइजेशन के बाद जो आपका जो जाइगोट बनता है वो कहाँ डेवलप कर रहा है, वो वेंटर के अंदर डेवलप करता है जहाँ पर एग प्रेजेंट होता है। सो आई होप आपको, उसके बाद मैंने आपको अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बताया जो कि टेरिडोफाइट का बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, वो आपको समझ आ गया होगा। कुछ हम इम्पॉर्टेंट यूजेस करने जा रहे हैं टेरिडोफाइट्स के या फर्न्स के। सबसे पहले कुछ ऐसे प्लांट्स हैं उनकी मेडिसिनल वैल्यूज हैं, कुछ फर्न्स के स्पीशीज हैं जो कि अल्सर्स की, रिमेटिज्म की, इंटेस्टाइन में कोई इन्फेक्शन है और भी कई तरह की डिजीजेस के लिए ये एज ए मेडिसिनल वैल्यू जो है वो टेरिडोफाइट्स रखते हैं। देन टेरिडोफाइट्स जो हैं वो एज अ फूड भी हम उनको यूज़ करते हैं, जैसे कुछ राइजोम है उसके अंदर स्टार्च होता है, कुछ फर्न स्पीशीज़ के कुछ स्टेम्स हैं, एज अ फूड हम उनको यूज़ करते हैं। तो ये जस्ट कुछ एग्जाम्पल्स हैं उसके। देन यू हैव अनदर पॉइंट, ग्रीन मैन्योर्स, एजोला जो है, एजोला इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अभी मैंने आपको बताया था कि एजोला जो है वो एक्वेटिक टेरिडोफाइट है, मैंने आपको बताया था सेल्विनिया, सेल्विनिया के साथ दूसरा एग्जाम्पल है एजोला। एजोला भी एक एक्वेटिक टेरिडोफाइट है, वेरी स्मॉल फ्लोटिंग प्लांट है, इट हैज़ द एबिलिटी टू फिक्स एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन, तो इसे ग्रीन मैन्योर कहते हैं। सो ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकते हैं एजोला। ठीक है, सो इसको एज अ फर्टिलाइजर्स हम यूज़ करते हैं इन द राइस पैडीज, क्योंकि राइस फील्ड में अगर हम एजोला डाल दें तो हमें नाइट्रोजन एज अ केमिकल फर्टिलाइजर डालने की ज़रूरत नहीं है। यू आर गेटिंग माई पॉइंट? सो एजोला इज़ अ ग्रीन फर्टिलाइजर और इट इज़ अ ग्रीन मैन्योर बिकॉज एजोला हैज़ एन एबिलिटी टू फिक्स नाइट्रोजन। ठीक है, उसके बाद फर्न्स जो हैं दे आर ऑल्सो वेरी यूजफुल बिकॉज दे हेल्प इन द रिमूवल ऑफ हैवी मेटल्स। तो कुछ ऐसे फर्न्स हैं जो हैवी मेटल आर्सनिक वगैरह जो हैं उनको रिमूव कर देते हैं, जहाँ पे फर्न्स ग्रो करते हैं वहाँ पे हैवी मेटल्स को एब्जॉर्ब कर देते हैं सॉइल से, सो ये हैवी मेटल्स के रिमूवल में हेल्पफुल होते हैं। कुछ ऐसे फर्न्स हैं जैसे सेल्विनिया है जो कि एक वीड की तरह भी ग्रो करता है। वीड्स क्या होते हैं बच्चे? वीड्स आर अनवांटेड प्लांट्स जो हमें नहीं चाहिए और अपने आप वो ग्रो करते रहते हैं। सो सेल्विनिया एक ऐसा टेरिडोफाइट है जो कि एक वीड भी होता है, तो अगर वाटर में, लैंड में, कहीं पे भी, लेक में कहीं ये ग्रो कर रहा है तो वहाँ पे जो दूसरी फूड चेन्स चलती हैं या एक्वेटिक लाइफ जो है उसके लिए ये काफ़ी प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकता है। सो ये हम इनके कुछ यूजेस हैं, और एक मैंने आपको इसका डिसएडवांटेज है, इसका नुकसान भी बताया कि अगर ये एक्सेस में ग्रो करता है कहीं पे तो ये एक वर्स्ट एक्वेटिक वीड बन जाता है, वीड मींस या अनवांटेड प्लांट बन जाता है। ठीक है बच्चे, सो दैट्स ऑल बच्चे, आई होप आपको टेरिडोफाइट समझ आ गया होगा। हमारी प्लांट किंगडम में हमें टोटल 5 ग्रुप्स करने थे, दैट इज एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। सो स्टूडेंट्स, वी हैव कवर्ड 3 ग्रुप्स, दैट इज एल्गी वी हैव डन, Bryophytes and today we finished Pteridophytes. I hope आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। Thank you so much बच्चे, have a nice day.